bouger. नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ खास खबरों का। खबर मथुरा से है, जहां आने वाले दिनों में राधाष्टमी त्यौहार को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसको लेकर प्रशासन ने एक बैठक भी की। आपको बता दें, बीते कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के समय भगदड़ का मामला जो है वो सामने आ गया था, जिसको लेकर राधाष्टमी मेले पर बांके बिहारी मंदिर की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मेला क्षेत्र को 4 जोन और 16 सेक्टरों में बांटा गया है। पहले के मुकाबले इस बार 2 गुने पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं दम घुटने व भगदड़ जैसी घटना को रोकने के लिए भीड़ को चरायमान रखा जाएगा। प्रशासन की इस बैठक में SP, SDM समेत कई अन्य अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बरसाना के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। इसमें अभी तक 4 जोन और 16 सेक्टर की व्यवस्था प्रस्तावित है और सभी स्थानों पर पार्किंग बैरियर्स की व्यवस्था रहेंगी, जो कि रूट व्यवस्था के लिए रहेगी। अभी तक 32 पार्किंग चिन्हित की जा चुकी हैं, जो कि चारों मार्गों पर हैं। मथुरा मार्ग, कोशीकला मार्ग, छाता मार्ग एवं भरतपुर मार्ग, इन मार्गों पर पार्किंग रहेगी। बैरियर से यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए डायवर्जन किया जाएगा और साथ ही सभी जगह कहीं पर भी भीड़ क्रॉस ना करें एक दूसरे को, यह भी ध्यान रखा गया है। किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए पूरी तरह हम कटिबद्ध हैं। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां बीजेपी नेता प्रीतम लोधी की तरफ से की गई ब्राह्मण समाज पर अपमानजनक टिप्पणी अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रीतम लोधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां आवा योजना को लेकर वीर नारियों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि के अलावा जोनल अध्यक्ष रीता जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आवा के 56वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं पूरे उत्तरी कमान आवा परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आवा अपने सैन्य परिवार व उनके आश्रित के कल्याण के लिए कार्यरत है। उत्तरी कमान आवा के ने समय के साथ खड़ी होकर आधुनिक युग की चुनौतियों को स्वीकारा है तथा बदलते समाज के साथ तालमेल रखने के लिए अग्रसर है। आवा अपने सिद्धांत, आशा, विश्वास, आस्था के अनुरूप सभी सैन्य परिवारों, बच्चों, विधवा और वीर नारियों के कल्याण प्रयासों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022 को स्ट्राइड विद फ्यूचर यानी भविष्य के साथ कदम के लिए घोषित किया गया है। उत्तरी कमान आवा द्वारा मेंटर कपल, आवा वेबसाइट एवं विशेष बच्चों की शिक्षा व वीर नारियों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की गई। और फौज में महिलाओं की बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वो एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है और अपने बड़े हुए फैमिली, सैन्य परिवार जिसे हम कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए भी काम करती हैं। तो हमारा आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, जहां हम अपने नए नए योजनाओं को बताते हैं और फौजी महिला की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे उनको अवगत कराते हैं। थैंक यू सो मच। खबर बरेली से है, जहां बिलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात 12 वर्षीय बच्चे की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर शाहजहांपुर का निवासी था, जो मूक बधिर का था। इसी कारण ट्रेन की आवाज ना सुन पाने के चलते किशोर दर्दनाक मृत्यु का शिकार हो गया। सूचना पर पहुंची फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर कासगंज से है, जहां देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिले में संचालित एक मिशनरी स्कूल पर एक शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक का कहना है कि उसके तिलक लगाने और कलावा बांधने से नाराज स्कूल प्रबंधक ने उसे नौकरी से जबरदस्ती निकाल दिया। वहीं नौकरी से निकाले गए शिक्षक ने CM योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। 14 से मैं सेंट जोसेफ स्कूल कासगंज में कार्य कर रहा था। 3 वर्ष मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, 2 वर्ष मुझे
प्रोविजन पीरियड पे रखा गया, 2019 में कंफर्म हो गया और ये मुझे विद्यालय के क्लर्क द्वारा ये बता दिया गया कि आप कंफर्म हो। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, इस वजह से मुझे स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। और 2021 में हमारे पुराने फादर प्रिंसिपल रॉबर्ट पीटर पार्के का ट्रांसफर हो गया और नए फादर रॉबर्ट बर्जी आए, उन्होंने बिना किसी कारण से हमें विद्यालय से निकाल दिया और हमें धमकी भी दी कि हमारी बात मान लो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। हमसे साथ ही साथ धार्मिक पक्षपात भी हुए, हमें टीका लगाने के लिए इनडायरेक्ट वे में मना भी किया गया कि ये सब इस स्कूल में नहीं चलेगा। इस कारण से हमें स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और हमें निकाल दिया गया। इस वजह से हमारी शासन प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की, उदासीनता बढ़ती और हमने मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिखा, या तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या फिर हमारी जो हक है वो सारे हक हमें दिलाए जाए। ये मिस्टर विकास तिवारी जो है हमारे स्कूल में संविदा पे काम करते थे, उनका संविदा खत्म होने पे हमने इनको कंटिन्यूएशन नहीं दिया। इनका संविदा खत्म होने की सूचना भी उनको हमने प्रदान किया था और उन्होंने भी यहाँ पर साइन किया हुआ है, इनका संविदा का कॉपी है, इनको सूचना भी हमने दिया था, इसका कॉपी है। ये संविदा खत्म होने पे हमने इनको दोबारा नहीं रखने का डिसीजन लिया। अगर ये हमारा इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो न्यायालय जा सकते हैं उस और जो न्यायालय जो बताएगा वो कागज दे करके वो हम लोग के लिए भी मान्य रहेगा। ये व्यक्ति इस प्रकार का खून का चिट्ठी आदि लिख करके स्कूल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इनका कहना है कि सभी जो कहना सब निराधार है, हम लोग ऑन पेपर बात कर रहे हैं, इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय फॉर अस। 14 से मैं खबर सोनभद्र से, जहां बीते दिनों भारी मात्रा में रेलवे का सामान चोरी कर चोरों ने करोड़ों रुपए की रेलवे को क्षति पहुंचाई है, जिसके बाद पुलिस की निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कई चोरों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा कर असली चोरों को जेल भेजे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, रीवा एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने नशीली कफ शेरप की एक बड़ी खेप को पकड़ा है, लेकिन रात के अंधेरे के चलते तस्कर मौके से फरार। ये फॉरेस्ट की कार्रवाई हुई है क्या? कल मुखपुर की सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, जिसमें एक इंडिवर गाड़ी और उस गाड़ी में 3000 से ज्यादा शीशियां फॉरेक्स की मिली है। आरोपी ने गाड़ी को तेजी से भगा के खेत में डाल दिया था और वो वहां से अंधेरा का फायदा लेके भाग गया था। हम लोगों ने गाड़ी जब्त कर ली है और 3000 सीसी कोरेक्स, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है और गाड़ी की कीमत तो इंडोर गाड़ी काफी महंगी होती है, 20-22 लाख रुपए जब्त हो गया। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, कौन है आरोप? अभी इसमें आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं। वाहन के चूंकि यूपी नंबर वाहन है, अपना आरटीओ के माध्यम से जानकारी लेके उसके चेसिस नंबर इंजन नंबर के आधार पर जो भी आरोपी होंगे कहां से आ रही थी, ये सतना तरफ से रीवा आ रही थी, कहां जाना था इसका पता तो आरोपी के पकड़े जाने पे पता चलेगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना घटी है, दुकान से जा रहे थे 8 बजे, 3 लोग रास्ते में मिले, पिंटू उसका नाम था एक का, एक का अंकित, एक का गोरे, ये मिले, लूट के इरादे में थे। जब उनके पास कुछ पैसा था, मोबाइल था, जो कुछ भी था, और मारने लगे। ये जब मारा बचाव के कारण दूसरा दौड़ा उनकी तरफ तो उनको भी मारे। इसके बाद जब वो बिल्कुल गिर गया तो दूसरा वाला बड़ा वाला लड़का भाग के फोन लगाया घर के लाने। इसके बाद जब वो फोन लगाया तो गांव वाले आए और जब वो जाने के वो लड़का मर गया तो भाग दिए गाड़ी जल्दी से।
इसके बाद जब वहाँ अस्पताल आए तो डॉक्टर साहब बोले कि ये मर चुका है। इसके बाद जो अब गांव वाले सब आ गए और ये जो मामा शिवराज सिंह चौहान जी का जो नियम कानून है वो कहाँ गया है अब? बुलडोजर वाला नियम कहाँ गया है अब? क्या चाहते हैं ये बताइए। बुलडोज फांसी हो, बुलडोजर उनके घर में चले। बच्चे दुकान से जा रहे थे, रास्ते में हमें अंग्रेज लोग मार दिए। कहाँ पे दुकान? ये वगैरह वहाँ है शारदापुरम में। कितने बजे घटना है ये? 8:30-9 के बीच की है। क्या इरादा था उनका? अब इरादा क्या बताएं सर, मैं तो था नहीं वहाँ पे। घटना कहाँ पास की है? ये बीमारी के पास की है। क्या लगता है कुछ पुराना विवाद वगैरह कहीं? ऐसा तो कुछ नहीं था, पढ़िया मोड़ था, मतलब विवाद कुछ नहीं था पुराना। उनको चोट लगी हुई, क्या करते थे? वहीं डेरी में रहते थे, डेरी काम करते थे। पड़िया मोड़ के पास कल रात में करीबन 9:30-10 के बीच कुछ व्यक्तियों ने नीतीश यादव नाम के एक लड़के को के साथ मारपीट करी थी, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, आरोपियों के नाम सामने आए हैं, अपन उनको बहुत जल्दी राउंड अप कर लेंगे। घटना घटी है। अगली खबर है आगरा से, जहां चंबल नदी में 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ाने के बाद अब नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं इसका जायजा लेने पिनाहट घाट जिलाधिकारी पहुंचे और इनके साथ आगरा के प्रभु नारायण सिंह और विधायक रानी पछालिका सिंह मौजूद है। खबर अमरोहा से है, जहां घर से एक बच्चे के गुमशुदा होने का मामला वो सामने आया है। आपको बता दें, बच्चे के पिता बाहर किसी काम से गए हुए थे, वहीं थोड़ी देर बाद बच्चा घर में मौजूद नहीं था। हर जगह तलाश करने के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं बच्चे का कोई पता न लगने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी बच्चे की तलाश कर रही है। किस समय का मामला? 11 बजे सुबह के। आपने जो है तहरीर वगैरह की? हाँ, दे ही। और तुमने कोई कार्रवाई करी क्या? और तो कोई नहीं, कोई कार्रवाई तहरीर दी। एफआईआर वगैरह, मुकदमा वगैरह? हाँ, डाला। किसको खिलाफ है अज्ञात में? अज्ञात में। कहाँ कहाँ की देखा? हसनपुर और हर हमने देख लिया। कहाँ से था हुआ लड़का? घर से। घर पे आया? घर पे बरामदे में सोता हुआ। तो जासूस नहीं लग रही। खबर मध्य प्रदेश के सिरमौर की है, जहां पर एक साहू परिवार ने अपनी बेटी की शादी 20 मई को अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से की थी और शादी के एक महीने बाद बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर एक बार फिर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट और SP से मुलाकात की है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या इस बार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। घटना घटी, मेरी बच्ची कुमार के फांसी में लटका दिया गया। ये सिरमौर पे है। कब की घटना है ये? घटना है 26 जून की। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। पूरा घटना मेरे साथ यह हुआ कि मैंने 3 लाख रुपए दहेज दे चुका हूँ, वो एक चापी गाड़ी, 2 तोला सोना और मांगा था। तो मैंने बोला था कि एक बच्ची है मेरे पास, जब होगा तो देंगे, अभी मेरे पास नहीं है। फिर वो हमारे बच्ची गई जब थमने के बाद, तो बोली कि वो 2 तोला सोना और गाड़ी मांगे हैं, तो कहें ठीक है फिर बाद में दे देंगे। और मेरे दामाद ने कहा था कि इस बार जो तुम सोना और गाड़ी लेके नहीं आओगे तो घर आपस नहीं जाओगे। क्या सिर्फ दामाद ही परेशान करते थे या उसके घर वाले भी? सास ससुर भी, जिठानी भी। इंद्रजीत साहू। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ हमारी सुनाई नहीं, वहाँ हमने गया तो कोई पूछताछ मुझसे नहीं हुई। फिर क्या घटना हुआ जब उनको उनके द्वारा गाड़ी और सोना मांगा गया, तो आपने जब जवाब दिया? हमने गया तो हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, बोले कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली है।
ये आपको कैसे पता चला कि उसके ससुर ने मुझको फोन लगाया 6 बजे सुबह? ये कब की घटना है? ये 26 जून की। 26 जून को आपको फोन किया? जी, शादी 20 मई को, एक महीने के अंदर। जी, मतलब एक महीने के अंदर में ही फांसी लगा? जी जी। जानकारी की आप जी बच्ची के द्वारा? मेरे बच्ची ने एक बार जो है तो जेठानी के साथ मेरे दामाद को पकड़ लिया था, मतलब उनका बहस। जी, तो मेरे बच्ची को हड़काया था, मेरी बच्ची अपनी माँ से घर जाके बोली थी, तो मेरी बहू ने कहा उसकी माता ने कि चलो अभी एक दो बार गई हो ठीक हो जाएगा, क्या हम संदेश आप? इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? जी, हम वहाँ दिए हैं इस टोपी के। हम अभी तक क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उनकी कार्रवाई होना चाहिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।